Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zubaan Kesari. राजस्थान में नेताओं को धमकियां मिलने के मामले में पुलिस ने जब मामले के खुलासे किए हैं तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे होते हैं कि जो आरोपी हैं, जो धमकी देने वाले हैं, उनके खिलाफ कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। सिर्फ आवेश में आकर धमकियां दे देते हैं और पुलिस उनके तह में पहुंचती है और जब मामले का खुलासा होता है तो इस तरह से चौंका देते हैं। जिस तरह से रविंदर सिंह पाटी को धमकी मिली हो, हरीश चौधरी को धमकी मिली हो, या फिर कैबिनेट मंत्री और झाड़ूल के जो विधायक हैं बाबूलाल खराड़ी, उनको धमकी मिली हो। दो दिन पहले जब झाड़ोल के विधायक बाबूलाल खराड़ी को उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर, इंस्टाग्राम पर एक कमेंट के दौरान धमकी दी गई थी, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी और कहा था कि आदिवासियों पर काफ़ी आरोप लगाए। और पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट की मदद से जब आरोपी तक पहुंची और जब खुलासा हुआ तो खुलासे ने सभी को चौंका दिया। जो आरोपी था वह BSc फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, खेरवाड़ा में पढ़ाई करता था, उसका नाम है जितेंद्र आहारी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब मामले का खुलासा किया, उसकी तह तक पहुंची तो सामने आया कि आरोपी किसी अन्य राजनीतिक पार्टी है उससे जुड़ा हुआ था और उसकी जो विचारधारा थी उस विचारधारा से उस आवेश में आकर उस कमेंट पर धमकी लिखी और धमकी के बाद वह कहीं जाकर छुप गया। पुलिस ने जब उस मामले का खुलासा किया तो सामने आया कि वह खेरवाड़ा में एक BSc कर रहा है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और पार्ट टाइम केटरिंग का काम भी करता है। लेकिन जिस तरह से जो खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से जो धमकियों के खुलासे हो रहे हैं तो उनके खिलाफ ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ आवेश में आकर धमकियां दे रहे हैं। जिस तरह से रविंदर सिंह पाटी को धमकी मिली थी, काफ़ी प्रदेश में राजपूत समाज हो, दूसरे समाज हो, उन्होंने सुरक्षा देने की मांग की, उन आरोपियों तक के तह तक पहुँचने की मांग की। लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ, जो आरोपी था वह एक कपड़े की दुकान पर काम करता था और वह भी आवेश में आ गया था सोशल मीडिया पर कमेंट में और उस कमेंट से आवेश में आकर उसने धमकी दे दी। वहीं हरीश चौधरी पर देखने को मिला तो कहें तो जिस तरह से धमकियों के दौर चल रहे हैं आज के समय में, सिर्फ जो यूथ हैं, जो ऐसे युवा हैं जो कहीं ना कहीं आवेश में आकर उन नेताओं को धमकियां दे देते हैं, उसके बाद चर्चा बन जाती है, पुलिस उन तक पहुंचती है, उन तक खुलासे होते हैं, तो इस तरह के खुलासे होते हैं कि एक बार तो सभी चौंक जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ। जो खेरवाड़ा में जो बाबूलाल खराड़ी हैं, झाड़ोल के विधायक हैं, राजस्थान की भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री है, जब उन्हें धमकी मिली, दूसरी बार धमकी उन्हें दी गई थी, पहले भी एक इसी कारण एक युवा ने आवेश में आकर उनको धमकी दी थी, लेकिन दूसरी बार जब धमकी दी गई तो कई सारे बातें सामने आ रही थी। कैबिनेट मंत्री को लेकर कानून व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठे, भजनलाल की सरकार है, BJP की सरकार है और एक नेता को, एक कैबिनेट मंत्री को धमकी मिलना, उसके बाद जब खुलासे हुए तो चौंक गए। एक आदिवासी इलाका, आदिवासी पार्टियाँ, BJP, कांग्रेस और दूसरी अन्य पार्टियाँ, और जब खुलासा हुआ तो सामने आया कि जो आरोपी था वह किसी अन्य पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ था। उन्होंने पहले उस जब चुनाव हुए तो दूसरी पार्टियों में खूब प्रचार प्रसार किया और जब विचार को लेकर जो कुछ विचार सामने आए तो उसने उस पर कमेंट लिख दिया और कमेंट में उस तरह की धमकी लिखी। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ करी और दूसरी तरफ जो देखने को मिला, पुलिस उन लोगों से भी अपील में जुटी हुई कि इस तरह की धमकियाँ नहीं दें, इस तरह की अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करें, ताकि क्योंकि जो रविंदर सिंह पाटी की धमकी मिली थी वह यू कपड़े की काम पर काम करता था, 21 वर्ष का छात्र था और यह जो धमकी दी गई वही एक 21 वर्ष का छात्र था, तो पुलिस भी उन तक पहुँचने में जुटी और आरोपियों से और ऐसे जो लोग हैं उनसे भी अपील कर रही कि इस तरह की धमकियाँ ना दें, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना करें, जिससे कि उनको कानून व्यवस्थाओं को भंग करना पड़े और पुलिस उन तक पहुंच पाए। TV9 के लिए राजेश डांगी।